अगर आपकी गर्लफ्रेंड या फिर आपका बॉयफ्रेंड शादी कर चुका है किसी और से या फिर करने वाला है, तो बेचैन होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लौट कर आपके पास जरूर एंड जरूर वापस आएगा, 100% वापस आएगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों? अगर जानना चाहते हैं तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आज मैं बताऊंगी क्यों शादी के बाद एक्स वापस लौट के आपके पास आता है, रोता है, बिदकता है। आज इस बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, बट इससे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके रिगार्डिंग आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मजबूरी में किसी से शादी करे या फिर अपनी मर्जी से आपको छोड़ के किसी से शादी करे, वो वापस लौटता जरूर है और ये चीज होनी ही होनी है, ये सबके साथ होता है। वो चाहे आपको 4 गालियां देकर क्यों ना गया, वो आपके अंदर कमी निकाल के क्यों ना गया हो, आपसे ज्यादा अच्छे इंसान से उसने शादी कर ली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लौट कर आएगा। क्यों? क्योंकि सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ, आई बिलीव आप खुद भी इस चीज को समझते होंगे। हर एक इंसान में कमियां होती हैं, खूबियां होती हैं, दोनों ही होती हैं। जब आप किसी के साथ में होते हो ना, तो उस इंसान की कमियां ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि वो हमारे ज्यादा करीब है, जो चीज ज्यादा है करीब आपके उसको ज्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए कमियां हैं। जो चीज बहुत दूर है ना, वो समझ में नहीं आती और इसलिए उसकी खूबियां ज्यादा दिखती हैं। इस इंसान ने जो आपका पार्टनर था, जो आपका एक्स है, उसने किसी और से शादी की क्योंकि वो इंसान इसको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दूर था। अब शादी का जो क्रेज होता है ना, शादी से 1 महीने पहले का क्रेज और शादी के 2-3 महीने तक, ये 6 महीने का जो टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पर आपका एक्स आपको बिल्कुल भूल जाता है। वो अब गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, उसको आपकी याद नहीं आती, आपसे बात नहीं करता, अपने पार्टनर के साथ में बिजी रहता है, आपको छोड़ देता है, अपने फ्यूचर पार्टनर से बात करने के चक्कर आपको अवॉइड भी करता है, और कहीं ना कहीं वो खुश होता है अपने होने वाले हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ। ऐसे में आपके अंदर फील आता है कि ये वापस नहीं आएगा। लेकिन होगा क्या, जब वो शादी कर लेगा, जो आपका पार्टनर है, जो आपका एक्स है वो, तो शादी के 1-2 हद से हद सिर्फ 3 महीने तक वो बहुत खुश रहने वाला है, क्योंकि नई नई शादी का क्रेज है, सब लोग बहुत वैल्यू देंगे, जो पार्टनर है, जो पति या पत्नी है, वो बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे। बट क्या पूरी जिंदगी सब लोग प्यार से ट्रीट करते रहेंगे? नहीं, वक्त के साथ में जो नई नई चीज है वो पुरानी हो जाएगी, वो शादी पुरानी हो जाएगी, वो घर पुराना हो जाएगा, वो पार्टनर पुराना हो जाएगा, और सब अपने अपने नॉर्मल बेसिक नेचर पे आ जाएंगे, वैसे होंगे जैसे वो है। और हमारे नेचर में सिर्फ अच्छाइयां नहीं, बुराइयां भी होती हैं। फिर उस पार्टनर को, जो आपका एक्स है, अपने पति में कमियां दिखेंगी कि यार ये तो मुझे टाइम नहीं देता, वो मुझे कितना टाइम देता था, ये तो घर पे ही नहीं रहता, वो कितना घर पे रहता था, मैं रो रही थी ना परसों, मेरे पति ने मुझे चुप नहीं करवाया, मेरा बॉयफ्रेंड जो कि आप हो मुझे रोते हुए नहीं दिख पाया करता था। वो आप में कितनी भी कमियां क्यों ना निकाल के गया हो, शादी के बाद आपकी पॉजिटिव चीजों को याद करने वाला है, आपके अंदर जो भी नेगेटिव चीज थी ना उसके बारे में वो नहीं सोचेगा, क्योंकि अब वो किसी और के साथ में है, आपसे दूर है, और जिससे हम दूर होते हैं उसकी खूबी दिखाई देती है। यही चीजें अब होंगी आपके लिए, उसके दिल में, आप में जो भी अच्छाइयां थी, खूबियां थी, वो उसको याद आएगी और हर पल याद आएगी। वो इंसान उस टाइम पर इस चीज को कभी भी नहीं समझ पाएगा कि उसका जो पति है वो अपनी जगह पर सही है, आप अपनी जगह पर सही थे, पति में अपनी जगह पर कुछ कमियां हैं, आप में कुछ कमियां नहीं। उसको आपकी कमियां आपके तरफ खींचेगी और फिर वो आपको दोबारा से कांटेक्ट करेगा आपसे बात करने के लिए। हो सकता है प्यार ना दिखाए, सिर्फ ये बोले कि यार हालचाल जानने के लिए कॉल कर लिया था, या सब ठीक तो है, नॉर्मल बात करे, या फिर ये भी हो सकता है कि दोबारा आपसे प्यार का इजहार करे कि यार शादी करके मैंने गलती कर दी, तू ही है जो है, सच्चा प्यार तो तेरे से ही है, मुझे तेरे से ही था, ये शादी तो मेरी मजबूरी थी, इस तरीके से बिहेव करे, बट करेगा जरूर, ये चीजें जरूर होती हैं आफ्टर मैरिज, क्योंकि वो जो आपका एक्स है उसने वो शादी सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से कर ली थी,
कि भाई नई चीज उसके हाथ में लगी और उसको मजा आ गया कि यार ये ज्यादा अच्छा है, इस वजह से उसने कर ली थी। उसका रिश्ता डेवलप नहीं था उस इंसान के साथ में, अपने पति को वो जो आपकी एक्स है जानती नहीं थी। शादी के बाद आपका जो पुराना रिश्ता है वो आपकी तरफ खींच रहा है, उसको आपकी याद आ रही है और वो फिर आपको छोड़ना नहीं चाहेगा। उसके बाद आप उसे कितना भी क्यों ना समझाओ कि यार छोड़ना तेरी गृहस्थी है, या अपने पति पर ध्यान दे या अपनी पत्नी पर ध्यान दे और मैं मूव ऑन हो चुका हूँ छोड़ते, वो नहीं छोड़ने वाला। आप कितना भी समझाओगे वो पीछे पड़ा रहेगा। आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, आपको प्यार दिखाना, आपको केयर दिखाना, ये चीज़ें बढ़ जाएंगी और फिर जिंदगी में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, क्या आपको उस इंसान से रिश्ता रखना है या फिर नहीं रखना है। उसने एक टाइम पर आपको छोड़ा था, क्या आपको भी अब उसको छोड़ना है या नहीं, ये डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपको लेना है उसके बारे में बिना सोचे। यहाँ पर सही डिसीजन क्या है, जो आपका एक्स आपको छोड़ के गया था, जो आज अपनी जिंदगी में दुखी है अपने पार्टनर से, जो पछता रहा है, जो एक्स आपसे अब सॉरी बोल रहा है, आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आपके साथ में रहना चाहता है, फिर ऐसे में ना ये आपका डिसीजन होगा कि उस इंसान को एक मौका देना है या नहीं देना है, उसको माफ करना है या नहीं करना है, बात करनी है तो कितनी करनी है, कब नहीं करनी है, छोड़ देना है, क्या करना चाहिए। अगर आपके साथ में ये हो रहा है तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करके एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। वो वीडियो देखकर आपके दिमाग में हर एक चीज बहुत प्रॉपरली क्लियर हो जाएगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, वो वीडियो आप देखें ताकि आप समझ पाए। सो जब आपका पार्टनर ये बिहेव करता है, आपको बार बार कॉल करता है आफ्टर मैरिज, आपके साथ एक रिश्ते में दोबारा बंधना चाहता है, ऐसे में उसे एक मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बात करनी है तो क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब फोन काट देना है, क्या रिप्लाई करना है, क्या उससे दोबारा रिश्ता रखना है, इन सब चीजों के बारे में मैं दोबारा से एक वीडियो बनाने वाली हूँ। वो अपलोड होगी कल शाम को 9 बजे। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। इस वीडियो का सेकेंड पार्ट कल शाम को आएगा, वो वीडियो जरूर देखना। साथ ही साथ मैं नाउ आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।